जी किसान भाइयों, वर्तमान में रबी का मौसम की शुरुआत होने वाली है और समस्त सब्जी उत्पादक वालों से मेरा निवेदन है कि चूँकि राजगढ़ जिले में प्याज और लहसुन और धनिया रबी के मौसम में सबसे अधिक लगाया जाता है, तो जो किसान भाई प्याज की खेती करते हैं और उन किसानों के लिए मेरी प्याज की कृषि उत्पादन तकनीकी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, प्याज की खेती में सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ है, वो प्याज की उन्नत किस्में हैं। यदि हम उन्नत किस्मों के अभाव में बहुत और बाकी सभी चीज़ें अच्छे से करते हैं तब भी उत्पादन में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात ये है प्याज में कि जो उन्नत की जो किस्में हैं उनका ध्यान रखें, क्योंकि रबी और खरीफ और देरी से लगाने वाली जो खरीफ की फसलें हैं वो जो सीजन है उनके लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग से अलग अलग प्रकार की वैरायटियां हैं। कहीं किसान भाई कहीं ये ना गलती करें तो जो रबी की जो वैरायटी है उसको खरीफ में लगाएं या खरीफ की जो वैरायटी है वो रबी में लगाएं, तो ऐसी स्थिति में जो उत्पादन होना चाहिए वो अपने को नहीं मिल पाता है। तो जो रबी के जो वर्तमान समय में रबी का सीजन चल रहा है, इस रबी के मौसम में हमें सबसे जो ध्यान देना है जो वैरायटियों का विशेष ध्यान रखना है, तो सबसे जो वैरायटी है एक तो अपने अर्का बिंदु है और N241 है, पंजाब रेड गोल है, पूसा रतनार है, पूसा सफ़ेद गोल है, अर्का निकेतन है। ये वैरायटियाँ मुख्य रूप से रबी की मौसम के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। इसके अलावा N53 है, पूसा सुब्रा है, बीमा रेड है, मतलब बहुत सारी कुछ वैरायटी ऐसी भी हैं जो रबी और खरीफ दोनों मौसम में लगाई जाती हैं, जैसे एग्री फाउंड डार्क रेड है, नासिक 53 है, नासिक रेड है। तो ये वैरायटियाँ रबी के साथ साथ में खरीफ मौसम में भी ज़्यादातर लगाई जाती हैं, तो वैरायटियाँ उनका विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए वैरायटियों का। इसके बाद में पौध रोपण, प्याज की रोपाई के बाद में समय समय पर नियमित रूप से देख रेख करते रहना चाहिए,